जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3 देखने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन को करेंगे और आप सभी फटाफट कमेंट कर दो, सभी को इस सेशन को शेयर करो। सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, आकाश जी जुड़ चुके हैं लाइव में, सभी को इसको कमेंट करो, क्योंकि साथियों आप शेयर भी करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन सा विद्यार्थी अभी लाइव में जुड़ चुके हैं, ठीक है। और सभी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3 है, ठीक है। इसके पहले 1 और 2 हो चुका है, तो उसको भी आपने, मुझे आशा है कि आपने देखा होगा सभी कोई। चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना दो। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन द बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन फ्रॉम रेस्ट। जो यहाँ पे नाउन दिए गए हैं ना, इनमें से डिफरेंट को छाटना है साथियों। ये जो नाउन दिए गए हैं आपके, इनमें से आपको डिफरेंट वालों को छाटना है। क्या है आपको? डिफरेंट वालों को छाटना है। ये बात तो आपको क्लियर करना है। इसमें से आपको क्या करना है? डिफरेंट वालों को छाटना है। इसमें से आपको डिफरेंट वालों को छाटना है। चलिए हम लोग एक एक करके सीखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चेयर बॉय वॉच वुड रिवर। अब देखो, सभी को मैंने बताया था साथियों, टाइप्स ऑफ नाउन सबको बताया था मैंने। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल, अबस्टिक। सभी कोई कमेंट करो, सेशन को शेयर करो साथियों। यहाँ पे 50 लड़के से काम नहीं चलेंगे, हमें 150+ लड़के चाहिए, 150+। सभी कोई फटाफट इस सेशन को शेयर करो साथियों, तभी तो एक एनर्जी मिलेंगे, एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी आए मज़ा नहीं आएगा। और सारे वो चीज़ सिखा दूंगा, कंसेप्ट सिखा दूंगा कि आप अभी भी कोई वीडियो देख रहे हो, नया लड़का भी जुड़ा होगा ना, तो नाउन को यूँ बना देगा, नाउन को यूँ सोल्यूशन करेगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि नाउन में कितने प्रकार के होते हैं, 5। अभी इसके और भी टाइप्स पढ़ाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल जब आप धीरे धीरे सीख जाओ तब। लेकिन नाउन में पढ़ाया था मैंने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट। ये 5 आपको मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? 5 नाउन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें क्वेश्चन में पहला लिखा हुआ है चेयर बॉय वॉच वुड रिवर। अब मुझे बताना, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बच्चे सब जुड़ चुके हैं, सब कमेंट कर रहे हैं, जी सर जी, जी सर जी, बिल्कुल राइट। देखो, यहाँ पर जो चेयर दिखाई दे रहा है, चेयर दिखाई दे रहा है साथियों को, चेयर, देखो चेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉय भी दिखाई दे रहा है, वॉच भी दिखाई दे रहा है साथियों आपको, और वुड और रिवर। बताओ चेयर कौन सा पार्ट्स का है? चेयर, चेयर बताना क्या है? किसी चीज़ से बनाया गया है। चेयर क्या है? किसी चीज़ से निर्माण किया गया है। और जब किसी चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उस वालों को मटेरियल कहते हैं। लेकिन जो चीज़ उससे बनता है, जो चीज़ उससे बनता है, जैसे लकड़ी से बनाते हो कुर्सी, टेबल, ठीक है, जैसे इसमें कुछ जो इसका फॉर्म होगा, क्या बोलते हैं, पीवीसी से बना होगा ये इसका खोल, तो पीवीसी क्या था? मटेरियल था। लेकिन ये जब बन के आया तो कॉमन हो गया। यानी कि जो चेयर आपका है, एक तो कॉमन नाउन के तरह कॉमन नेम भी है, तो चेयर ही बोलोगे ना साथियों, इसको पेन ही बोलोगे ना, सब कुछ कॉमन बुलाता है। तो चेयर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। वाय क्या है? वाय क्या है मुझे बताओ? जब मेरा नाम नहीं जानते हो, मेरा नाम जैसे शशि है, अगर आप मेरा नाम नहीं जानते, अगर मैं आपको कहीं मार्केट में मिल जाते तो कहते ना कि दिस इज द बॉय हु टीच, जो पढ़ाता है, या वही लड़का है जो पढ़ाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे को बॉय बनते, क्योंकि मेरा उस टाइम आप नाम नहीं जान रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम आप मेरा नाम नहीं जानते, यानी कि कहने का मतलब हुआ कॉमन नाउन कहीं ना कहीं अननोन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन नाउन जो होता है अननोन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसे कॉमन में रखते हैं, ठीक है। चेयर भी आपको, देखो मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे साथियों चेयर, चेयर हो गया, चेयर भी आपका क्या हो गया साथियों? कॉमन हो गया, ठीक है। बॉय भी आपका क्या हो गया? कॉमन। इसके बाद देखो एक वर्ड है आपका वॉच। सभी क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको देखना है। देखो इसके बाद एक वर्ड है बॉय, यहाँ पे देखो बॉय दिखाई दे रहा हुआ, ये बॉय जो है ना ये भी कॉमन हो गया। अब देखो इसके बाद बॉय के बाद आया वॉच। अब देखो वॉच बहुत सारे हैं, दीवार वालों को भी वॉच ही कहेंगे, जो हाथ में पहनते तो उसे भी वॉच ही कहेंगे, भाई जो घंटे की तरह हिलते उसे भी वॉच ही कहेंगे। यानी कि वॉच एक आपका कॉमन कॉमन वर्ड में बोला जाता है, कॉमन जनरली वर्ड है, जनरल वर्ड है, सबको इसी को वॉच ही बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कॉमन नाउन का एक पार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है वाई के बाद जो वॉच भी है ना आपका, जो वॉच, ये भी कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। और ठीक है, इसके बाद वुड बच रहा है, वुड, वुड को देखो इस बुक के अनुसार चले। बाय द वे देखो, ग्रामर रूल ये कहता है कि मटेरियल नाउन, जब तक मटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे हम कोई चीज़ के निर्माण ना कर दें। जैसे जैसे ले लो गोल्ड, गोल्ड इससे गोल्ड तब तक मटेरियल नहीं है जब तक उससे हम या अंगूठी या सिकरी
या गर्दन में को जो कुछ भी पहनते हो या नाक या कान में कुछ भी पहनते हो उससे किसी चीज़ का निर्माण ना हो जाए तब तक वह मटेरियल नहीं है, ये ग्रामर के रूप कहता है। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे तो यहाँ पे जो बुक कह रहा है तो यहाँ पे जो बुक बोलता है कि वुड जो है आपका वुड वो हम यहाँ पे इसको मटेरियल नाउन में मान करके चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक बच गया रिवर, तो देखो रिवर क्या है, रिवर का खास नाम जैसे ले लो रिवर में गंगा, तो क्या है रिवर एक जनरल है, तो एक रिवर है नदी, नदी में छोटा भी हो तब भी नदी ही बोलेंगे, बड़ा वाला भी हो तो नदी ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो नदी वर्ड है, जो आपका नदी वर्ड दिखाई इधर एक कॉमन है, आप देखो मैं कह रहा हूँ ना सभी को एकदम इस सेशन को शेयर कर दो गर्दा की तरह, और देखो यहाँ से आप सीखने के मिलेंगे, क्या यहाँ से सीखने के मिलेंगे, आप सीखो कैसे सिखा रहे हो। देखो शेयर एक कॉमन नेम था, जनरल नेम था, तो कॉमन हो गया। बॉय भी किया था भाई, मेरा नाम नहीं जान रहे होगे तो बॉय बोलोगे ना मुझे, जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा अंजलि है, अब मान लो अंजलि का आप नाम नहीं जानते, वो कहीं मिल जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे अंजलि का नाम सो नहीं कर रहा होता तो आप बोलते ना कि दिस गर्ल टू मच चैटिंग, ये बहुत ज़्यादा चैटिंग कर रही है। तो यहाँ पे जो गर्ल आता वो अननोन है, मतलब उसे जनरल फॉर्म में ये बोल सकते हैं, यहाँ बॉय भी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन का पार्ट्स हो जाएगा। वॉच मैंने बता दिया, वॉच का भी, रिवर को भी बता दिया, तो ये जो थे ना रिवर वॉच बॉय चेयर ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज जो थ्री देखो यहाँ पे एक्सरसाइज जो थ्री दिखाई दे रहा है साथियों, इसका आंसर क्या होगा आपके दिमाग में खटकना चाहिए, सर इसका आंसर क्या होगा। देखो आंसर ये होगा कि ये रहा है क्वेश्चन में जो अलग डिफरेंट हो, तो इनमें से डिफरेंट आपको कौन लग रहा है, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, ये जो वुड बच गया ये वुड जो है ना डिफरेंट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वुड हो जाएगा। अभी कोई फटाफट इस सेशन को शेयर करो और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों वुड। मज़ा आ रहा है ना आपको साथियों, आपको अगर लग रहा होगा कि हाँ इज इट मतलब यूजफुल फॉर मी, देन यू हैव टू शेयर दिस सेशन। आपको इस शेयर को अगर लगता होगा कि हाँ ये मेरे लिए उपयोगी है, आपको इस सेशन को एकदम धुआंधार मतलब पूरे इंडिया में शेयर कर दो, सभी को ही सीखना चाहिए। एक ही घर का बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई चार्जेज अभी नहीं लग रहे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ इस तरह से कोई डिटेल से हम बताया ही नहीं, आप पूरे यूट्यूब पर कह रहे हो साथियों चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आज तारीख नोट डाउन कर लेना, इसके पहले किसी ने इतने डिटेल्स में नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब सर्च मार लेना ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर लिख करके, ठीक है, किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, ये बात को याद रखना। आज अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करो, पहले सभी को नोट डाउन करो और उसके बाद मुझे बताना सब कोई नोट डाउन कर लिया कि नहीं, सबकी कमेंट देख रहा हूँ। देखो एक क्या नाम है सूरज नाम का लड़का कमेंट कर रहा है, यस सर मैं समझ गया, शेयर करो इसे सभी को शेयर करो, यहाँ पे भाई सेल लड़के से काम नहीं फ्री आएंगे, सेल लड़के से काम नहीं चलेगा, इसको शेयर करो। चलो सभी को नोट कर लिया ना, नोट कर लिया ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा साथियों वुड, क्योंकि बाकी सब एक ही फैमिली के थे। अब देखो इसको समझो, जब घर में सारे एक फैमिली के होते हैं और एक अलग फैमिली से आता है थोड़ा उसको अलग मतलब थोड़ा इज्जत करते हो ना, मान लो जैसे घर का मेम्बर हो, आप अगर घर का मेम्बर हो तो घर की तरह ट्रीट करेंगे ना, लेकिन वही घर पे मेहमान आ जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मेहमान साहब थे, इनको इज्जत करना पड़ेगा ना, इसीलिए ये वुड क्या था डिफरेंट पार्ट था, अलग था इनमें से, इन पांचों में से वुड क्या था अलग था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा। समझ गए साथियों, समझ गए, आ जाओ इससे मैं अब हटाता हूँ, ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लगा होगा आपकी स्क्रीन पे। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो साथियों, कह रहा है गोल्ड, देखो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर फिर रिंग आयरन ब्रास, देखो गोल्ड मतलब होता है सोना, सिल्वर मतलब होता है क्या चीज़ बताओ जल्दी से साथियों, सभी को कमेंट करो सिल्वर मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ आपकी कॉमन जो आपकी कॉमन सेंस है, मैं देखता हूँ कहाँ तक आप लगा सकते हो सिल्वर। भाई सबको सिल्वर बचपन में सिल्वर का चीज़ पहने होंगे, उसे क्या बोलते थे घर के वो ममहर से मिलता है बेरा, सिल्वर को सबको पहना होगा, सिल्वर मतलब होता है चांदी, आयरन रिंग, रिंग समझते हो ना रिंग, वो जो सेरेमनी में देते हो बहुत सारे शादियों में सेरेमनी में दिया जाता है रिंग अंगूठी, ठीक है, ब्रास की बातें समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसमें से डिफरेंट पार्ट को छाटो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ सबकी कमेंट, कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे बहुत सारे बच्चे जवाब दिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मैं बताता हूँ, देखो गोल्ड इस बुक के हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, शुरू वाला भी वीडियो जा करके देखना, कंसेप्ट ये बताया था मैंने, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि मटेरियल नाउन तब तक मटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया जाएगा। या आप जाकर के कहीं भी सर्च मार देना विकिपीडिया, देखो गूगल के चक्कर में नहीं पड़ना, विकिपीडिया पर मार देना, विकिपीडिया एक वेरीफाइड, ठीक है, गूगल पे होता है कि हम जैसे कोई होता है वो चीज़ अपलोड करता है, लेकिन विकिपीडिया पर जाओगे तो विकिपीडिया पर आपको सारी चीज़
सारे क्रिएट मिलेंगे, तो वहाँ पे जाकर सर्च मारना, ठीक है। ये मटेरियल नाम बताएगा आपको, पूरा डिटेल्स में होगा, इंग्लिश में लिखा होता है लेकिन आपको हिंदी में समझना पड़ेगा उसे ट्रांसलेट करके। तो मटेरियल नाम जब तक तब तक मटेरियल नाम नहीं होगा जब तक उसे किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर दिया। जैसे देखो आटा मटेरियल नाम होता है ना, आटा, आटा से क्या करते हो आप, आटा से क्या करते हो, रोटी पकाते हो ना साथियों, उससे तो मटेरियल नाम कहलाएगा भाई। सुनो, गोल्ड होता है ना, गोल्ड से क्या बनाते हो आप, रिंग बनाते हो, कान में के बनाते हो, नाक में के, गर्दन में के, पैर में के, पैर में भी बहुत सारे पहनते जो नहीं सोंगे, तो वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब जैसे देख लो लोहा, लोहा को आयरन का मानोगे मटेरियल, आयरन से साथ ही गाड़ी बनते हैं ना, अब कहोगे साथ ही स्टील का बनता है, तो मान के चलो यहाँ पे आयरन के जो पाइप होते हैं ना, आयरन क्या होता है, एक आयरन से पाइप बनाए जाते हैं, फिर एक बहुत सारी चीज़ बनाए जाते हैं यार, स्टूल भी आयरन का आता है लोहे का, तो वो चीज़ उससे किसी चीज़ का निर्माण कर दिया जाए तब वो मटेरियल नाउन होता है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि जो अभी छोटे छोटे अभी लेवल पे आप हो, छोटे लेवल से हम समझने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो गोल्ड दिखाई दे रहा था, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, पता ना, गोल्ड को आप तौल के बेचते हो, ठीक है, सिल्वर को भी तौल के बेचते हो, आयरन को भी बेचते हो तौल करके, ब्रास को भी बेचते हो तौल करके, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, इस अकॉर्डिंग टू जिसे मैं जिसे तौल के बेचते हैं उसे मैं अकॉर्डिंग से सोचूँ ये मटेरियल में आएंगे। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, ये किन में जाएंगे, मटेरियल में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि आपको इनमें से डिफरेंट छांटना। अब बताओ रिंग, रिंग क्या है, सोने का भी रिंग हो सकता है, चांदी का भी रिंग हो सकता है भाई, स्टील का भी रिंग हो सकता है, जो वो क्या बोलते हैं लिखो फिको रिंग जो वो मेला में बेचते हैं वो रिंग 10 रुपये में देते हैं वो भी रिंग ही कहलाएगा। तो रिंग एक आपका क्या जनरल वर्ड है, तो रिंग इसमें जो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा साथियों, डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, तो आपका डिफरेंट जो हो जाएगा आयरन हो जाएगा, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कह रहा है कि देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि इनमें से आपको पिकआउट करना है जो डिफरेंट हो इनमें से। गोल्ड एक ही था, सिल्वर भी उसी कैटेगरी का था, और जो ये आयरन था ना उसी कैटेगरी का था, और ब्रास भी था उसी कैटेगरी का था, लेकिन एक जो जो यहाँ पर रिंग रिंग जो था ना साथियों, सॉरी यहाँ पर रिंग होगा, जो रिंग था ये अलग कैटेगरी का था। क्यों? क्योंकि रिंग को हम लोग जनरल वे में भाई सब कुछ को रिंग बोल सकते हैं, सोने वालों को भी रिंग ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसको अलग चीज़ बोलते हैं, रिंग ही तो बोलते हैं, भैया मुझे रिंग दे दो, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं ना कि वो अलग जाकर कहता होगा कि मुझे पहनने के लिए दे दो। देखो पहनने के लिए शॉर्ट भी होता है, ये माला भी पहनते हो हाथ में, ये जो पहनते हो ना वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रंगदार वो मतलब जो होंगे उस टाइप के वो भी जुड़े होंगे, तो वो पहनने के लिए हो जाता है, लेकिन आप उसे रिंग बोलते हो, तो रिंग क्या आपको जनरल फॉर्म में हो गया। चलिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए सर, आ जाइए, देखिए आपके स्क्रीन पर थर्ड नंबर क्वेश्चन लग गए होंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बॉय चाइल्डहुड, यहाँ पर बॉय नहीं होता है, देखना जब प्रचार उचार देखना लाइव बॉय के प्रचार, लाइव बॉय बोलते हैं, लाइव बॉय नहीं बोलता है, बॉय कुछ दूसरा मतलब हो जाता है, ठीक है, बॉय बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई से यह होता है ना बॉय। देखो यहाँ पर बॉय चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डॉटर, आर को ह की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब बताना मुझे डिफरेंट कौन सा है, बॉय, बॉय अभी मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया था, सब फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था ये क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हो, अननोन हो, वो क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन के में आ जाएगा। गर्ल, वही बात आ गया, मैंने बताया था ना नाम का, नाम नहीं जानते होगे, अगर मिल गई तो उन्हें कैसे बुलाओगे, गर्ल ही बोलोगे ना अगर नाम नहीं जानते हो तो, ठीक है। सन, सन क्या होता है, किसी रिलेशन का, किसी सगे संबंधी का जो सामान्य नाम से बुलाते हैं, जैसे मान लो आप अपने जैसे फुआ के पास गए और फुआ के बगल की जो गोतनी होगी आपके नाम नहीं जानते होंगे, आप भी तो उनके भतीजे ही लोगोगे ना उस कंडीशन में। आप साथियों हम बता रहे थे आपको कि जैसे आप रिलेशन में जाते हो, कहीं भी रिलेशन में जाते हो साथियों, तो आप क्या करते हो बताओ, जाते होगे तो मान लो आपके फुआ जी होंगे, वो तो आपके नाम को जानते हैं, लेकिन जो फुआ के गोतनी होते, समझ लो ना उनके जो बगल वाले, उनके बगल वाले जो गोतनी होते वो तो आपके नाम नहीं जानते हैं, तब तो वो कहेंगे ना कि बेटा इधर सुनो आपके पापा जी कैसे हैं, तो वहाँ पर जब वो बेटे बुलाती है, यानी कि रिलेशन रिलेशनशिप में ऐसा नाम जो जनरल हो, यानी कि जो कोई भी उसे बुला सकता है, उसे हम कॉमन नाम रखते हैं। तो बताओ यहाँ पे जो आपके सन दिखाई दे रहा है, जो ये सन सन यहाँ पे दिख रहा है, सन सन दिखाई दे रहा ना, ये जो सन है ये कॉमन नाम में चला जाएगा ना। अब देखो उसके बाद आ जाओ डॉटर, डॉटर भी क्या है, बेटी। जब कोई लड़की जाएगी मम्मी में, मान लो उसकी बगल की का मामी है, नाम नहीं जानती उसकी, पहली बार गई हो, तो बुलाएगी ना डॉक्टर, बेटी इधर आ जाओ, या नानी होगी तो बुलाएगी ना डॉक्टर इधर आ जाओ, तो उस कंडीशन में ये सब आते हैं। अब देखो बच गया यहाँ पे एक चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड भाई, मेरे बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सर लिख करके बता दो। देखो साथियों, आपको लिखने के लिए ये क्वेश्चन लगवा बहुत मेरे साथियों, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ ताकि आपको कोई ऐसा चीज़ हिडन एलिमेंट ना छूट जाए, ताकि आप कहीं गलती ना कर ले। इसलिए सारे चीज़ों को मैं अरेंज करवा रहा हूँ, हम लोग बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी मेहनत करना ये होगा। देखो अभी 130 ही लड़के जुड़े हैं यार, मैं कह रहा हूँ 150 प्लस चाहिए, तभी ये मार्कर समझो ना, ये मार्कर दिख रहा ना, ये मार्कर तभी जा करके कुछ जादू करके दिखाएगा। 150 प्लस चाहिए मैं लाइव में भाई, उस दिन 300 लड़के हुए थे, आज तो 150 प्लस होने ही चाहिए। ठीक है, आ जाओ, 150 प्लस होने ही चाहिए रियल में, समझ रहे हो ना साथियों। तो हम बता रहे थे यहाँ पे, देखो बॉय बॉय गर्ल, देखो लिख करके ही बता रहे साथियों, इतनी चीज़ें मैं मेहनत करूँ आपके लिए। सन और डॉटर, देखो ये जो थे बॉय गर्ल सन डॉटर, ये किस में जाएंगे, कॉमन नाउन में जाएंगे साथियों, कॉमन नाउन में। ये बात याद रखो, एकदम गाठ में दिमाग बैठ लो, बॉय नाम नहीं जान रहे हो ना, अननोन है। आपके गांव में कोई अगर ऐसा व्यक्ति आ जाए, मान लो मेरा दोस्त है वो आ गया, उसके नाम नहीं जानते, कहो नाम कि दिस बॉय हु इज द फ्रेंड ऑफ शशि, या वही लड़का जो शशि का दोस्त है, बोलोगे ना। तो यहाँ पे बॉय क्या अननोन है, आप इसके बारे में नाम नहीं जानते उस लड़के के बारे में, तो वो इस कंडीशन में कॉमन नाम ना। गर्ल भी वैसे ही है, सन भी वैसे ही है, रिलेशन का सामान्य नाम है, और डॉटर के समान। देखो मैं अलग अलग तरीके से मैं थिंकिंग सोचवा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला कि कोई बच्चा भी जुड़ जाए ना इसमें, एक बरस का बच्चा भी हो ना, बड़ी तरीके से देखेगा वो इंग्लिश सीख जाएगा। एक बरस का बच्चा कहते हैं ना, 6 महीने के बच्चे भी सुन सुन के समझे ना सीख जाएगा। बस अर्थ करना ये पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको साथियों, विदाउट ध्यान दिए, विदाउट कंसंट्रेशन किए नहीं सीख पाओगे साथियों। यहाँ तक बड़े बड़े जो होंगे ना सर, वो भी नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दे दोगे ना साथियों, मैं बोल रहा हूँ ना जो बता रहा हूँ, इंग्लिश सीखने से आपको वो कहते हैं ना, वो भी नहीं रोक पाएंगे बड़े बड़े चीज़ों को, जो डर होता ना, डर को निकालने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। डर नहीं रहेंगे नाउन में, नाउन को यूँ करोगे, यूँ चुटकियों में सॉल्व करोगे, ये बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सॉन डॉटर, किसी बात नहीं कॉमन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्डहुड। क्या हो जाएंगे साथियों, चाइल्डहुड, ठीक है, CHILDHOOD। अब ये देखो प्रोनाउंसिएशन में मत जाना साथियों, थोड़े बहुत कंसेप्ट बताने के चक्कर में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना, इसकी भी स्पोकन की भी क्लास लेंगे तब मेरे सुन लेना मैं कैसे बातें करता हूँ, तो इस पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, चौथे नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके साथियों, बहुत मज़ेदार है, और यहाँ भी कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है साथियों, एक सेकंड रुक जाना साथियों, लाइन पर बने रहो तो साथियों, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा। चलो हमने आगे, आप चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या है साथियों, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हो गया, तीसरे नंबर क्वेश्चंस किए थे, डॉटर तक हो गया, तो चौथे नंबर क्वेश्चंस आ जाओ, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा, थोड़ा बहुत साथियों टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कुछ कोई इशू नहीं है। देखो चौथे नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बुक पेपर पेन एंड स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्क्रीन पर आपको लग रहे होंगे सारी चीज़, वहाँ पर टेक्निकल से काम करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन लगाते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कह रहा है आपका बुक है, पेपर है, पेन है, स्टूडेंट है। अब मुझे बताओ इनमें से डिफरेंट कौन सा है, सभी कोई कमेंट करके मुझे बताओ इसमें से डिफरेंट कौन है। एकदम चुटकियों में बनाओगे, चुटकियों में ऐसा कुछ सिखा दूंगा, चुटकियों में बनेंगे सारे, ये सारे जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं चार नंबर चुटकियों में समझ जाओगे। बुक पेपर पेन एंड स्टूडेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। अब देखो बुक भाई, भारतीय भवन की भी बुक ही बोलोगे, NCERT की भी बुक ही बोलोगे, CBSE वाले जो बुक होंगे उनको बुक ही बोलोगे ना, तो कॉमन नाम है, किसी चीज़ का किसी वस्तु का सामान्य नाम है। ये जो बुक है ना, ये बुक ये दिखाई दे रहा है, देखो जो बुक है ना ये सामान्य नाम है। इसके बाद देखो पेपर, अब मुझे बताओ ना, पेपर के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। अब देखो आप इतने बड़े चीज़ को पेपर ही बोलोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, देखो इतने बड़े चीज़ का पेपर हो इसे पेपर ही बोलोगे, इतने छोटा चीज़ भी हो, इतने छोटा भी हो तो उसे पेपर ही बोलोगे, कभी ना पेपर फटा हुआ है, पेपर फट के गिर गया, तो पेपर का कोई सेप साइज नहीं होता और ये अनकाउंटेबल में रखा जाता है पेपर को, ठीक है, पेपर का सेप साइज नहीं होता, अनकाउंटेबल रखा जाता है, यानी कि मटेरियल का पार्ट होता है, ठीक है, जो पेपर होता है मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका बुक हो गया, बुक क्या हो गया साथियों आपका, ये कॉमन नाउन हो गया, और यहाँ पे जो था आपका साथियों एक
क्या है? पेपर। पेपर क्या है आपके साथ? मटेरियल नाउन है, ठीक है, यहाँ पे घेरा बनाकर रख लेते हैं, मटेरियल नाउन है पेपर, और बुक आपका कॉमन नाउन। अब आगे पढ़ते हैं, पेन। भाई रेड कलर, लिंगराइजर का पेन दे दो, एग्नी का पेन दे दो, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में पेन की है। तो पेन एक क्या है? किसी वस्तु का सामान्य नाम है, किसी लिखने वाला चीज का सामान्य नाम है पेन, इसलिए पेन भी आपका किसी में चला जाएगा, साथ ही वो कॉमन में चला जाएगा। तो आपका पेन है ना, वो भी देखो, पेन वनी। अब पेन, पेन मतलब एक दर्द भी होता है, एक पेन, देखो थोड़ा सा बोलते, एक सिलेबल की जरूरत है, पेन 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 दर्द पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेन का यूज करते हैं हम साथी, पेन तो ये है किसी वस्तु का सामान्य नाम है, इसलिए पेन जो हो जाएगा कॉमन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे कॉमन लिखा हूँ, कॉमन में चला जाएगा पेन। अब देखो पेन हो गया, अब बच रहा है स्टूडेंट, साथियों बच क्या रहा है साथियों? स्टूडेंट। अब देखो मैंने बताया इसके पहले की वीडियो लेक्चर में, जिस भाई ने, जिस हमारे प्यारे बच्चे ने देखा होगा, स्टूडेंट को संग्रह को एक जगह बैठा देते हैं तो क्लास बन जाता है, यानी कि स्टूडेंट किसी भी चीज़ का सामान्य नाम, जैसे मैं बैग ले लूँगा, लड़का लड़की कोई भी हो बैग लेकर के जाएगा, आप बोलोगे ना कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट 6 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, या तो 20 साल का भी, उसे भी स्टूडेंट, ऐसा थोड़ी ना उसे अलग चीज़ बोलेंगे, उसे लीजेंड बोलेंगे, नहीं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल सकते, उसे क्वालिटी को दर्शा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ही बोलेंगे, वो कभी दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट भी जो होगा आपका कॉमन नाउन, सॉरी स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा साथियों? कॉमन नाउन में ही जाएगा। अब बच कौन रहा है? अकेले पेपर में आज बच जा रहे हैं, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा ये पेपर ही होगा। बताओ साथियों, मजा आ रहा है कि नहीं साथियों? पेपर इसका आंसर हो जाएगा, पेपर। देखो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा पेपर हो जाएगा। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं साथियों? आप सबको पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा हो सभी को फटाक से ना शेयर करो, 200 पहुंच चुके हैं हम लोग, 200 पहुंच चुके हैं, स्टेशन को शेयर करो एकदम तहलका मचा दो, सभी को सीखना चाहिए। ये बुक आपका कॉमन हो गया, पेन भी कॉमन हो गया, स्टूडेंट भी कॉमन हो गया, बच कौन जा रहा है? पेपर है। तो पेपर आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन होगा ना साथियों। पेपर का कोई शेप साइज नहीं होता, पहली बात, पेपर छोटा वाला भी उसे पेपर बोलेंगे, बड़ा हो पेपर बोलेंगे, 16 पेज का हो पेपर ही बोलेंगे। समझ रहे हो साथियों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पेपर आपका मटेरियल नाउन में जाते ही बात याद रखना। टेक्निकल जी थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फटाक से, आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लग गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, 5वां नंबर क्वेश्चन, मैंगो एप्पल जूस ऑरेंज मिल्क। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं ना, आने वाले बुक में, कोई नहीं, आ जाओ आप समझने की प्रयास कर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा, मैंगो एप्पल जूस ऑरेंज मिल्क, यहाँ पे दो हो जाएंगे साथियों, दो डिफरेंट वाले हो जाएंगे, लेकिन एक ही छाट नहीं है कि हाँ है, तो हम लोग इसमें जूस कर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझो, 5वां नंबर का है, 5वां नंबर में कह रहा है मैंगो, अब सभी को पता है फल फूल सब्जियों इत्यादि के सामान्य नाम को, क्या सामान्य नाम को लोग बोलते हैं कॉमन नाम, ये बताओ इसका सामान्य नाम हुआ कि फल का सामान्य नाम मैंगो है, मैंगो आपको कॉमन में जाएगा कि नहीं साथियों? आप कॉन्सेप्ट सीखो, मैंगो सामान्य में है, जब सामान्य नाम है किसी फल का, सामान्य नाम है, जनरल नाम है, बताओ। अब मैंगो में मालदे आम कहते हैं ना, तो वो प्रॉपर होगा साथियों, मालदे जो हो जाएगा ना वो प्रॉपर हो जाएगा, सिपिया साथियों, आम का नाम बहुत याद है मुझे, अब बहुत सिपिया आम होते हैं ना, वो भी आपको प्रॉपर में चले जाएंगे। इस तरह से जो आम का वैरायटी होगा वो प्रॉपर में जाएंगे, ये खास नाम हो गया ना, उस आम में से खास आम है कौन? सिपिया। आम में से एक यूनिक आम है मालदे, मालदे की तरह कोई दूसरा आम नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो ना साथ, मालदे की तरह दूसरा कोई आम नहीं हो सकता। तो जो मालदे हो जाएगा, सिपिया हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मैंगो बोला है तो ये किसी फल के सामान्य नाम है, छोटा वाला भी होगा मैंगो बोलेंगे, सिपिया भी होगा मैंगो ही बोलेंगे, जनरल में बोलना उसका नाम नहीं जानते हैं, तो बहुत सारा मिक्स आम होगा हमें नहीं नाम पता है तो मैंगो ही बोलेंगे ना, तो मैंगो आपका साथ ही क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे मैंगो, मैंगो आपको हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे कॉमन में रख लेते हैं, आ जाओ मैंगो हो जाएगा आपको कहते सकते हो कॉमन। अब आ जाओ, अब अगला पढ़ते हैं एप्पल, इसके बाद लिखा हुआ एप्पल, एप्पल भी तो सामान्य नाम है, कश्मीरी सेव होता है, एक बालू बालू टाइप का सेव होता है, मुझे नहीं पता, एक कचकच मतलब काटो हुआ तो थोड़ा अजीब टेस्ट लगता है, वो भी सेव ही होता है, सेव भी आपको साथियों किस में जाएगा? कॉमन में जाएगा। और साथियों देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, सभी कोई सेशन को लाइक नहीं कर रहा साथियों, मज़ा नहीं आएगा, जब तक सेशन को लाइक नहीं करोगे ना मुझे एनर्जी नहीं आएगा, और जब मुझे एनर्जी नहीं आएगा साथियों, तो बताओ आपको कैसे पढ़ पाओगे बढ़िया से?
एनर्जी मुझे अंदर लाओ और मुझे लगे कि हाँ बताना चाहिए इनको और कुछ सिखाना चाहिए, फटाफट सेशन को शेयर करो ठीक है साथियों। और लाइक तो दबाना ही आपको साथियों, लाइक जरूर आने से बहुत सारे एप्पल होगा। एप्पल के बाद है साथियों जूस, जूस किस किसने पिया आज कमेंट करके बताओ। जूस भाई जूस सबने पिया होगा, किसी ने ऑरेंज का पिया होगा, किसी मैंगो का शेक पिया होगा। मैंने तो बनाना का भी पिया है साथियों, मैंगो का भी पिया है, 10 रुपये में पीता था ज़्यादा महंगा वाला पिया था ठीक है। तो वो जूस होते हैं, जूस क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, लिक्विड फॉर्म में जितने भी पदार्थ होते हैं ना वो मटेरियल नॉर्म में नहीं आते ठीक है। ये जो आपका जूस आ रहा है ना, यहाँ पे एक जूस वर्ड आ रहा है, ये किस में जाएंगे मटेरियल में। देखो दो ही तीन अक्षर लिखूंगा समझ जाना मटेरियल ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ ऑरेंज, भाई ऑरेंज का भी लगता है मीठा भी लगता है। अब जनरल में जाएंगे तो कहेंगे ऑरेंज दे दो भाई, ये भी क्या किसी फल का समान है नाम। ऑरेंज भी क्या है साथियों फल का सामान्य नाम है, ऑरेंज भी क्या साथियों आपके किसी फल का सामान्य नाम है। इसके बाद बच गया एक साथियों मिल्क, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है साथियों, कंसेप्ट याद करो लिक्विड फॉर्म में होता है मिल्क आपका साथियों हो जाएगा मटेरियल में, इसमें हो जाएगा मटेरियल में। और इसके करेक्ट आंसर दो ही हो जाएंगे जूस एंड मिल्क, और ये सारे क्या हो जाएंगे कॉमन नाम। बताओ समझ में आ रहा ना साथियों, मैं भी कंसेप्ट बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सभी को थम्सअप वाला जो इमोजी होता है, सभी को फटाफट एक इमोजी थम्सअप वाला सेंड करो। देखो बार बार कमेंट नहीं करना है, जब मैं बोलूँ तो कमेंट करना ठीक है, नहीं तो कमेंट की भरमार लग पड़े यहाँ पे साथियों, भाई रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बस बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। साथ ही बताओ एक पॉसिबल है एक बार में 200 बच्चों को जवाब देना, पॉसिबल नहीं हो पाते समझ रहे हो ना। और देखो साथियों इसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ बताओ कि सर इंग्लिश की बैच शुरू हो चुकी है, और इस सेशन को ना इतनी दबा के शेयर करो, इतनी जगह शेयर करो कि सब बच्चा नाउन से नहीं डरे। नाउन एक ऐसा चैप्टर है ना सबको डरावना लगता है, नाउन से नहीं डरना है, नाउन से फाइट करना है, नाउन के सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। आज ये 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6ठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टेबल, डेस्क क्लास रूम एंड चेयर, कह रहा टेबल डेस्क क्लास रूम एंड चेयर। आ जाइए यहाँ पे जो आपको साथियों क्या है, क्या हुआ है टेबल, क्या दिया हुआ सबको टेबल, अब मुझे बताना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन था टेबल, मैंने लिखा टेबल, मैंने लिखा डेस्क ठीक है, मैंने एक वर्ड लिख लिया रूम ठीक है, आ जाओ मैंने एक वर्ड लिख लिया चेयर। अब मुझे बताना साथियों टेबल, भाई किसी टेबल में भी बहुत सारे टेबल होते हैं, डिजाइन डिजाइन के टेबल होते हैं, तो वो क्या है टेबल का एक जनरल नेम है, किसी वस्तु का जनरल नेम है टेबल। डेस्क भी वैसे ही है, रूम है, रूम कोई छोटा होता बड़ा होता तो रूम ही तो बोलते हो, ऐसा थोड़ी है, ये भी क्या है जनरल नेम है। अब जो 5 स्टार वाला रूम हो उसे अलग थोड़ी बोलते, रूम ही नहीं कहते भाई यार मुझे रूम वहाँ पर दिलवा दो, रूम ही बोलते हो, जनरल नेम है रूम भी। चेयर, चेयर में भाई एक वो बोलते हैं कैसा चेयर, एक रहीस वाला चेयर होता है भाई, पता नहीं कैसा, अभी लूँगा तुम्हें बता दिखा भी दूंगा। तो चेयर भी क्या होता है साथियों आपके कॉमन नॉर्म में आता है। बच जा रहा है आपका साथियों क्लास, हाँ बच कौन सा रहा है क्लास। अब देखो क्लास को समझो, मैंने बताया था क्लास कैसे बनता है, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट बहुत सारे हो जाते हैं और उसे किसी एक चीज़ जगह पर रख दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंटों को संग्रह क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे छठी क्लास में ऐसा थोड़ा कि सिर्फ टीचर ही होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट होगा ना, और वहाँ पे स्टूडेंट होगा ना, वहाँ पढ़ने वाले छात्र होंगे ना, तो ये जो क्लास का निर्माण होता है यानी कलेक्टिव होता है, जो क्लास हो जाएगा साथियों आपका कलेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों कलेक्टिव। और ये जो बाकी थे ये सारे कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा साथियों कॉमन, दिख नहीं रहा होगा साथियों यहाँ पर आ जाओ, ये सारे हो जाएंगे कॉमन ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे साथियों कलेक्टिव, और इसके आंसर यही होगा कलेक्टिव, क्योंकि डिफरेंट वाला छाटना है ठीक है। मज़ा आ रहा है साथियों, तो सेशन को शेयर करो, अभी भी बहुत सारा टाइम है, अभी बहुत सारे 14 क्वेश्चन करने हैं, सेशन को बहुत जल्दी शेयर करो और दोस्तों को सभी को बताओ ठीक है। देखो भाई मैं बताऊँ कि इस सेशन को कौन कौन देख सकता है, आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे ना, 1 साल का बउआ होते हैं ना, वो भी देखेंगे ना सेशन से, समझ जाएंगे सीख जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा दिए, टेक्निकल भी बहुत समझदार है, थैंक यू। आज 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 7वां नंबर कह रहा है कि सिंगर म्यूजिक डांस प्लेयर, और मैंने एक चीज़ बताया था कंसेप्ट के अंत में ईयर लगा हो, ईयर ओ आर ए आर,
वो कॉमन नाउन में जाते हैं, ज़्यादातर कॉमन नाउन के पार्ट्स होते हैं। बताना सिंगर, सिंगर क्या है भाई, किसी प्रोफेशन का नाम है ना, डांसर किसी प्रोफेशन का नाम है, प्लेयर, ये सारे किसी में आ जाएंगे, सिंगर डांसर प्लेयर सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे कॉमन नाउन में। ये जो आपका वर्ड है सिंगर, सिंगर डांसर प्लेयर, ये सारे जो वर्ड है सिंगर डांसर प्लेयर एक्टर क्रिएटर, भाई क्रिएटर हुआ, मैं जैसे क्रिएटर, टीचर मास्टर, ठीक है, डिजास्टर डिजास्टर भाई दूसरी, ठीक है, ये जो वर्ड आते हैं ना ये कॉमन अनको जिसमें प्रोफेशन की बात हो, भाई सिंगर एक प्रोफेशन है, डांसिंग करना भी एक प्रोफेशन है, सॉरी प्लेयर भी एक प्रोफेशन है भाई, ठीक है, वो ये सारे जो प्रोफेशन वाले वर्ड होते हैं ना उससे भी साथ हम कॉमन नाउन में रखते हैं। अब इसमें बच कौन सा रहा है, एक साथ बच रहा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है म्यूजिक। देखो म्यूजिक क्या करते हो साथियों, कान में हेडफोन लगाते हो और फील करते हो ऐसे, तेरी मेरी गल्ला वो गाना आया था ना तो पता नहीं जी कौन सा, तो म्यूजिक को क्या करते हो फील करते हो भाई, बहुत सारे बच्चे गाना सुनते हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो वो जो म्यूजिक बजती है उसके साथ में जो एक धुन बजता है तो फील करते हो, तो आनंद लेते हो, तो यानी कि जो ये म्यूजिक हो जाएगा आपका साथियों, जो म्यूजिक हो जाएगा ये किस में जाएगा, ये आपका अबस्ट्रेक्ट में जाएगा ना साथियों, ये अबस्ट्रेक्ट नॉन में जाएगा ना, और ये सारे जो बच गए किस में जाएंगे, कॉमन नॉन में जाएंगे साथियों। देखो मजा आ रहा होगा, शेयर करो, सभी को शेयर करो और इसको नोट डाउन करते चलना। देखो साथियों मैंने बताया नहीं, नोट डाउन इसे करना है, समझना है, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगे ना उसे भी नोट डाउन करना है, और इसकी सारी की पीडीएफ फाइल दूंगा, ठीक है साथियों, पीडीएफ फाइल बिल्कुल मिलेंगे। आप टेलीग्राम में जा करके क्या करना है आपको साथियों, टेलीग्राम में जाना है, ज्वाइन करना, इसको नोट डाउन कर लिया ना, आ जाइए, ठीक है, नोट डाउन करते चलना इसके साथियों, ठीक है, क्योंकि इसे लिखोगे और बार बार देखोगे फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे तो फिर कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को दो बार तीन बार सीख लेना, यहाँ से उनको सीख जाओगे फिर बेरा पार हो जाएगी आपकी। आ जाइए आठवें नंबर क्वेश्चन कर, मिल्क इंक टी कॉफी ब्रेड एप्पल। अब तो मुझे तो लाइन से दिखाई दे रहे, मिल्क भी आपका है, इंक भी, इंक यहाँ पे है, टी है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, ये तो सारे देख के ही पता लग रहा है साथी, खाने वाले चीज़ है, और जो खाने वाला चीज़ होता है देखो साथी वाला में भी बहुत सारे कॉमन होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को निर्माण किया गया हो, जैसे मिल्क, मिल्क में क्या होता है साथियों, मिल्क से दही दूध बनाते हो ना साथियों, तौल नाप करके देते हो ना, समझ लो ना, मिल्क क्या लिक्विड फॉर्म में होता है ना, देखो दो तीन तरीके आजमाइश करना, लिक्विड होना चाहिए, नाप तौल के देते हो, ठीक है, और कोई चीज़ बनाया जाता है उस चीज़ से, सेव से क्या बनाओगे साथियों, सेव से क्या बनाओगे बताओ, तो कुछ कर सकते नहीं। अब बहुत सारे कहेंगे सर सेव से हम पठादी काट देंगे, अरे यार इसे एक छोटा सा पार्ट फॉर्म कर रहे हो, लेकिन दूध से दही, दही से मक्खन, समझ रहे हो ना, मैं क्या बताऊँ, दूध से दही, दही से मक्खन, ये चीज़ों के निर्माण करोगे, तो बातों का पूर्ण समझना है। यहाँ पे जो मिल्क इंक टी कॉफी ब्रेड ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, मेटेरियल हो जाएंगे, लिख दे रहा हूँ साथ, आज मिल्क हो जाएंगे, इंक हो जाएंगे, टी हो जाएंगे, कॉफी सी हो, कॉफी भी हो जाएगा, और क्या है, ब्रेड हो जाएंगे, ये जो वर्ड है मिल्क इंक टी कॉफी ब्रेड ये सारे मटेरियल नाउन होंगे, क्या होंगे साथियों, सारे के सारे मटेरियल है, और बेचारे अकेले बच जा रहा है एक चीज, वो है एप्पल, क्या बच रहा है साथियों, एप्पल, और एप्पल जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, एप्पल आपका, अरे साथियों अभी बताया, जल्दी कमेंट करो, मैं ऐसे नहीं, साथियों आपको सीखना है ना तो बताओ ना एप्पल क्या होगा, मैं जानना चाहूँ, सबकी कमेंट देख रहा हूँ साथियों, कमेंट नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, देखो पढ़ने के प्रयास करूँगा ना बहुत टाइम लग जाएगा, देखो सारे के कमेंट चल रहे हैं तो भाई बहुत टाइम लगेंगे, मैं कमेंट सबको देख रहा हूँ, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, सबकी एक्टिविटी पता चल रही है, बहुत सारे बच्चे शरारती कर रहे हैं, सर ये रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड, भाई रिकॉर्डेड नहीं है साथियों, लाइव चल रहे हैं, सबके नाम नाम लेना चालू करो, 200 लड़के किस किस के नाम में बताओ, नाम बताओ, एप्पल कमेंट करो, एप्पल क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, प्रिंस ने अच्छे कमेंट किया, जानवी सब बच्चे कह रहे हैं सर ये कॉमन है क्योंकि समान है नाम है, बिल्कुल सही बताया ना, ये क्योंकि किसी फल का समान है नाम है, तो क्या बेचारा बच गया अकेले, कॉमन, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, एप्पल, इस आठ नंबर का क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा साथी, वो एप्पल हो जाएगा। टेक्निकल जी क्वेश्चन लगा देते हैं, नाइन्थ नंबर देखिए टेक्निकल जी से मैं कहता हूँ, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन लगा देते बेस्ट होगा, लगा देते, यस लगा दी, देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है
टीचर स्टूडेंट्स प्लस डॉक्टर बॉय टीचर स्टूडेंट्स प्लस डॉक्टर बॉय। अब देखो टीचर पहले ही बात है कि बॉय समझ लो ना, डॉक्टर टीचर डॉक्टर की सोचना ही नहीं है, प्रोफेशन के नाम आ गया। स्टूडेंट भी देखो एक तरह से प्रोफेशन में आता है, लेकिन इसे नहीं मान के चलेंगे। स्टूडेंट के बारे में बता दिया कॉमन होता है, मैंने हर बार बताया साथियों को जो स्टूडेंट होता है साथियों आपका कॉमन होता है। आ जाओ ये जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, टीचर है स्टूडेंट है फिर है आपका साथियों डॉक्टर है बॉय है। ये देखो टीचर प्रोफेशन का नाम है कॉमन हो जाएगा, स्टूडेंट भाई बताया ना स्टूडेंट लड़का भी सकता लड़की भी सकता जनरल नाम है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, ये भी एक आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। डॉक्टर की प्रोफेशन का नाम है भाई, और प्रोफेशन के सामान्य नाम को क्या बोलते हैं डॉक्टर को कॉमन नाम रखते हैं। बॉय जनजान हो गए सब अलग अलग तरीके से जमाई से कॉमन नाम पहचानने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से, इस तरीके से नहीं पहचान पाओगे ना तो इस तरीके से पहचान, इस तरह से नहीं तो इस तरीके से पहचान, लेकिन पहचानना सीख तो इसलिए अलग अलग तरीके से पहचानना मतलब अलग अलग तरीके से बॉय के लिए अलग बता दिया इसके लिए अलग मान लो फिर इसके चक्कर में पड़ता तो याद हो जाना चाहिए प्रोफेशन, इस तरीके से पहचान सकते हो। तो जितनी ये सब थे क्या हो जाएंगे साथियों कॉमन नाम हो जाएंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा सटीक वो बच जाएगा क्लास, क्योंकि क्लास स्टूडेंटों का समूह संग्रह होता है और क्लास को हम लोग कलेक्टिव में रखते हैं किसमें कलेक्टिव। देखो साथियों मैं रटवा नहीं रहा हूँ समझा रहा हूँ, रटवाना होता तो मैं लिख लिया था बच्चे जी ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्लास हो जाएगा। चलो 10वें नंबर में आ जाओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उड हो जाएगा 10वें नंबर ऐसे में रटवा कर चला जाता, लेकिन नहीं कंसेप्ट समझो कैसे होंगे तो क्यों होंगे सर कंसेप्ट को जब आपके माइंड में क्यों आने लगेंगे ना क्यों बहुत कुछ और माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए डाउट्स आने चाहिए, क्योंकि सीखने का पहला जो होता है ना सीखने का जो पहला सिर होता है क्वेश्चन आना अच्छा जी ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे प्यारे सभी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे शरारती भी जुड़ चुके हैं बस चैटिंग कर रहे हैं हेलो एक और बच्चे कमेंट कर रहा है लड़की कमेंट कर रही थी उसके साथ कमेंट कर रहा है बच्चा बहुत शरारती है क्या बताऊँ इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। आज ये 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि बुक एप्पल नर्स जग ओजी। अब देखो नर्स क्या है प्रोफेशन के नाम है, देखो मैं बताता चलूँगा समझते चलना जग, अरे यार स्टील का भी जग होता है एल्यूमिनियम का भी जग होता है प्लास्टिक का भी जग होता है तो जग जनरल वर्ड है समझ लो ना, जग को तौल के नहीं बचता पहले ही बात याद रखना कि जग हो गए बुक भी हो गए एप्पल भी हो गए और नर्स प्रोफेशन का नाम है तो कॉमन तो होगा ही ठीक है। ये जितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं जग बुक एप्पल नर्स, एप्पल को तो बता ही चुका हूँ कितनी बार बताऊँ साथ मुंह दुख गया ठीक है, बुक वाला ही बता ही चुका हूँ जग वाला समझ लो बता ही दिया अभी और नर्स का प्रोफेशन है, ये सारे जो हो जाएंगे किस कैटेगरी से आएंगे कॉमन से आ जाएंगे आ जाएंगे कॉमन आने में। अब बेचारा अकेले जो बच जा रहा है कौन सा बच जा रहा है साथी इसमें तो बच जा रहा है आपका साथी उड, क्या बच रहा है उड, तो जो उड बच जा रहा है साथियों ये हो जाएगा मटेरियल और इसका यही आंसर ये क्या हो जाएगा साथियों मटेरियल होगा, कौन सा नाम हो जाएगा मटेरियल ठीक है। 10 नंबर हो गया, अब चलते 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ ठीक है, और सभी को इस वीडियो को दिखाना ठीक है साथियों ताकि वो भी कुछ ऐसी मचा दूँ नोट डाउन कर लिया ना सभी को तो जी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं अच्छे कमेंट कर रहे हैं वाह चलिए बढ़िया है बढ़िया। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन और प्यार प्यार से प्यारा प्यारा इमोजी भेजते रहिए वैसे इमोजी से बहुत प्यार सब अच्छे लगते हैं इमोजी आते हैं। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्पल मैंगो ऑरेंज राइस बनाना। अब देखो एप्पल क्या है अभी कोई कमेंट करके बताओ एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना क्या है किसी फल फल सब्जी सामान है ना, देखो बनाना सब्जी में भी आते हैं ठीक है, बनाना जो कच्चे वाला बनाना उसे काट कर सब्जी बनाया जाता है उसे वो छान करके सब्जी बनाया जाता है यार क्या बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बनाना का वो
उबाल करके और उसे डाल करके बनाया जाता है। बनाना का सब्जी ही बनता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसे सब्जी में भी रखेंगे, नहीं वेजिटेबल्स में भी रखेंगे, ठीक है। और मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, तो यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना जो हो जाएंगे, किसी फल फूल सब्जी का सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम को जिसमें रखते हैं उसे कॉमन नाम कहते हैं। यानी कि गाढ़े नंबर में हम जब बात करेंगे कि एप्पल की और मैंगो की और ऑरेंज की और साथियों बनाना, इन चारों की बात करें, अगर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बनाना की बात करें साथियों, ये सारे जो चारों हैं आपके किसका कैटेगरी से लग रहे हैं आपको? कॉमन लगेंगे आपको, क्योंकि कॉमन नाउन ही है। अब आज इसमें बच क्या रहे हैं, अकेले राइस। राइस से क्या बनाते हो? खाने के लिए बनाते हो राइस। राइस को आप तौलते हो, गिन सकते हो, पहले बता। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा ना, राइस को तो गिन नहीं सकते हो, राइस को आप अनकाउंटेबल में रख दो ना, अनकाउंटेबल मटेरियल में आते हैं, ये अब स्टेक हो नहीं सकता है, अलग अलग तरीके सोच भी सकते हो। तो ये जो राइस हो जाएंगे साथियों पे मटेरियल नाउन हो जाएंगे, हो जाएंगे मटेरियल, क्या मटेरियल में आ जाएंगे, तो जो आपको राइस दिखाई दे रहा है मटेरियल हो जाएंगे, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, समझ रहे हो। ले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था 12 नंबर, ठीक है। और 12 नंबर में कुछ सीखने को मिले, वही क्वेश्चन जो बच्चे ध्यान से देखा होगा इसके पहले का क्वेश्चंस, ठीक है, कि पहले का जो क्वेश्चंस बनाया होगा और ध्यान से सुन से जो सेशन को देख रहा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत प्यार से बना सकता है। 12 नंबर क्वेश्चंस को, 12 नंबर क्वेश्चंस बहुत आसान से बना सकता है। कौन बच्चे बना सकता है? जो बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन को किए होंगे, 7 नंबर जो बच्चे क्वेश्चन किए होंगे वो आसान से बना सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर जिसमें म्यूजिक वाले बात आया था, देखो पंच, पंच किसके लिए यूज करते हैं? अंगूर के गुच्छे के लिए, जो चीज भी गुच्छा में हो। आर्मी, आर्मी के वो क्या होते हैं, झुंड होते हैं, एक को नहीं बोलते आर्मी, एक को आर्मी नहीं बोलते, पुलिस का भी झुंड होता है साथियों, मतलब ना पुलिस का भी झुंड होता है, आर्मी का भी झुंड होता है, क्राउड, क्राउड मार्केट में तो बहुत सारा क्राउड होता है, मॉब मतलब, यानी कि हम भीड़ का मतलब, यानी कि बहुत सारे लोगों का संग्रह। बस क्या रहा इसमें अकेले? म्यूजिक। तो इसका 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो म्यूजिक हो जाएगा। म्यूजिक क्या हो जाएगा? अबस्टेक नाउन हो जाएगा, ठीक है, अबस्टेक नाउन हो जाएगा। और जो बाकी जो बच जा रहे हैं रेस्ट, कौन कौन बच जा रहे हैं साथियों आपको? पंच बच जा रहा है, कौन सा बंच? मॉब, पंच, मॉब, आर्मी, और बच जा रहे मॉब हो गए, क्राउड। ये जो बच जा रहे हैं चार, ये आपके हो जाएंगे कलेक्टिव। क्या हो जाएंगे साथियों? कलेक्टिव। देखो यहाँ पे म्यूजिक मैंने बताया ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, म्यूजिक बज रहा होगा बेचारा, फील कर रहा होगा। म्यूजिक क्या फील करते हो साथियों? इसे पकड़ सकते हो म्यूजिक को? नहीं पकड़ सकते कभी भी नहीं साथियों। म्यूजिक को आप फील करते हो, महसूस करते हो कि बस पता नहीं जी कौन, तो म्यूजिक को आप फील करते हो। यहाँ पे जो बंच है, मॉब है, आर्मी है, क्राउड है, क्या हो जाएंगे? कलेक्टिव हो जाएंगे, संग्रह हो जाएंगे। बंच संग्रह होता है साथियों, क्या चीज़ का? अंगूरों का संग्रह है, एक गुच्छा है। मॉब भी वही संग्रह होता है, आर्मी भी संग्रह ही होता है, क्राउड भी वही होता है। तो 12 नंबर का आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर 12 नंबर की ये होगा, और ये आपका कलेक्टिव हो जाएंगे, ये आपका बेस्टिव। समझ में आ रहा है साथियों? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखना, बिल्कुल समझोगे। और देखो मैं एक बात बता दूँ, अगर अभी तक आप, आपकी उम्र 15 साल होगी, किसी का 17 साल होगी, किसी का 20 भी होगा, किसी की 22 भी होगा, साथियों मुझे बताओ, जब आप 10 साल और 12 साल में नहीं सीख पाए हो इंग्लिश, तो शशि कुमार आपको एक दिन में इंग्लिश तो नहीं, एक दिन में शशि कुमार जो खा रहा है, शशि पटेल जो खा रहा है, एक दिन में इंग्लिश सिखा सकते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन रेगुलर वीडियो देखे होगा तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ साथियों, यो वन डे, एक दिन आएगा तो आप अंग्रेजी सीख जाओगे, अंग्रेजी बोलोगे, आपकी जुबान से अंग्रेजी निकलेंगे, और अंग्रेजी के कहीं भी आप सेंटेंस दिया हो वहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि ये नाउन है, ये नाउन में किसका है, ये आसानी से बता सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा? पेशेंस रखना होगा, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यस मैं सीख सकता हूँ, और पेशेंस धैर्य बना के रखना होगा, कंटिन्यू मेरे सेशन को देखना होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में हमेशा वीडियो को देखते रहना होगा, तब जा कर सीख पाओगे। क्योंकि बजना एक चीज़ मैं बनाने की प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं माला बना रहा हूँ, अब जैसे ही मैंने माला को तोड़ दूंगा, बताओ मैंने यहाँ पे एक माला का गैपिंग छोड़ा, पे माला बन पाएंगे, ये माला जुट पाएंगे? वैसे ही पढ़ाई होता है साथियों, अगर एक सीरीज गड़बड़ाते हो, एक सीक्वेंस गड़बड़ाते हो, मेरे देखो बाकी क्लास की बात मैं नहीं करूँ, मेरे क्लास में देखो ऐसे होता है,
पहले दिन इतना सीखोगे, फिर इतना सीखोगे, और जो ये पार्ट है ना यहाँ पे भी यूज होता है, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, ये सारे जो पार्ट पढ़ाए जाते हैं ना, ये पार्ट यहाँ भी काम आते हैं, यहाँ भी ये वाला पार्ट भी काम आता है, ये वाला पार्ट भी यहाँ भी काम आता है, और इन सब का यूज आता है। तो आप साथियों बताओ, शुरू से अगर वीडियो नहीं देखे होगे कैसे समझ पाओगे, नहीं आएगा समझ में। ये बारीकी से एक एक चीज़ को, एक एक लेक्चर को देखना। कहीं कि मैं साथियों मैं बता दूँ, फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे साउंड मिस हो रहे थे, तो कोई इशू नहीं है। तो आप सीखने में प्रयास रखो और हेडफोन लगा कर सुनोगे, बढ़िया सुनाई देंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ गए ना साथियों, इसका बार में मतलब म्यूजिक होगा बेस्टेक नाउ और बंच और मॉक आई एम कलेक्टिव, और इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर म्यूजिक होगा। सभी को कमेंट करके बताओ, सभी को कमेंट करो। चलो बहुत अच्छे एकदम। अब देखो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, टाइमर लगा करके 30 सेकंड का अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 30 सेकंड का अंदर। और चीज़ एक बात सुनो, महामैराथन कह रहे हो ना, महामैराथन लेकिन महायज्ञ मैराथन लगा सकते हो एकदम पूरे। अब कह रहे ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, पूरे ऑब्जेक्टिव जो नाउन के जो पढ़ा रहा ना सारे जब खत्म हो जाएंगे, तो एक संडे को मैं बता दूंगा महामैराथन क्लासेस आएंगे, जिसमें लगभग 200 प्लस यानी कि 100 लेके चलो टारगेट, 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे लगातार, महामैराथन चलेंगे, उसमें भी आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से सीख लिए होगे ना, तो वहाँ पे महामैराथन में क्यों क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे ना बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सारे बोर्डों का निचोड़ लेकर के आऊँगा, ठीक है। वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसी से रिलेटेड वही क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो व्यक्ति कहता है ना साथियों आपसे यही क्वेश्चन आएंगे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, किसी की क्या हिम्मत है भाई। वो तो बोर्ड एग्जामिनर तय करता है ना क्वेश्चन कौन सा आएगा, किसी की ये नहीं है कि वो बता दे कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसी पैटर्न पे आएगा, उसी स्ट्रक्चर पे आएगा, ये बात तो सही है, लेकिन क्या है कि यही क्वेश्चन ही आएगा, नहीं साथियों ऐसा कोई नहीं बता सकता, उसके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करना है साथियों, क्या क्वेश्चन देगा। हम एग्जामिनर हैं, हम क्वेश्चन सेट करना नहीं, हम एक आपका पढ़ाने वाला है, हम एक मेंटर है, हम आपको वो हथियार दे देंगे और युद्ध आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ क्या करते हैं, हम या राजकुमार सर आपको हथियार देते हैं और आपको युद्ध आपको करना पड़ेगा ना साथियों, तो ये बातों को समझना है। तो बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गए, और आप महामैराथन के लिए तैयार रहना, उस दिन हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, बहुत जल्द बता दूंगा किस कौन सा दिन को होगा, उन सभी चीज़ों को देखते रहना और रिविजन करते रहना, ठीक है। आ जाइए तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, अजय 13 नंबर क्वेश्चन करा है, वही क्वेश्चन सारे चीज़ वही बेस पे आएंगे, क्लास, क्राउड, टीम, प्लेयर एंड फैमिली, समझ लो ना, क्लास, क्राउड, टीम, प्लेयर, फैमिली। अब देखो साथ यहाँ पे बताओ, फैमिली में एक लोग का फैमिली बोलेंगे नहीं, फैमिली में चार पांच जैसे पापा, मम्मी, भाई, बहन, इन सारे लोगों को क्या होता है, कलेक्शंस होता है, सारे लोगों को कलेक्शंस होता है। देखो टीम में क्या होता है, धोनी भी होता है, विराट कोहली भी होता है, जडेजा भी होता है, पर मैं तो नहीं जानता लेकिन किसी को बता दे रहा हूँ, और युवराज सिंह भी खेलते थे, ये सारे क्या थे, इन सारी चीज़ों को मिला करके एक टीम बनाया जाता था, इंडिया का टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम, क्राउड, क्राउड यानी कि भी क्लास में क्या स्टूडेंट होंगे, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई बोधू होगा, कोई गर्ल्स होगा, कोई बॉय होगा, उन सब का क्या था, संग्रह था। बच कौन सा रहा साथी बताओ, प्लेयर, इसमें देखने में एक बच रहा प्लेयर, और प्लेयर किसी भी प्रोफेशन का सामान्य नाम है, प्लेयर क्या है, खिलाड़ी, खिलाड़ी यानी किसी भी प्रोफेशन का सामान्य नाम है, यानी कि 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों प्लेयर, अरे प्लेयर कैसा नाउन है, कॉमन हो जाएगा साथियों, कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, मतलब ना ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और जो बाकी जो बच जा रहा है आपको रेस्ट में, जो बच जा रहा रेस्ट में कॉमन बच जा रहा है साथियों आपको, क्लास, क्राउड, और कौन बच रहा है, टीम एंड फैमिली, ठीक है। ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके कलेक्टिव हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, ये कलेक्टिव हो जाएंगे। 13 नंबर के आंसर जो हो जाएगा प्लेयर होगा, समझ रहे हो ना, फटाफट कमेंट करो साथियों, फटाफट कमेंट करो, टाइम बहुत हो रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा साथियों, कमेंट करते रहना, आपको आंसर बताना इसको, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ जल्दी करना, इसका मतलब कमेंट भाई, कमेंट आने चाहिए, समझ में आना चाहिए, बच्चे हमारे सारे एक्टिव है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पुलिस, सोल्जर, आर्मी कमांडर, देखो पुलिस में क्या होता है ना, तो चौकीदार भी होता है, वो भी पुलिस में ही आता है, जो सब इंस्पेक्टर जितने भी सारे वो चीज़ों को संग्रह होता है, पुलिस एक क्या होता है, संग्रह होता है उनकी चीज़ों को जो उनके अंडर में आते हैं। सोल्जर भी वैसा होता है ना, सोल्जर, सोल्जर का ए सेक्शन, बी वाला, सी वाला, ऐसे भी, आर्मी का भी वैसे होता है, वो भी संग्रह ही होता है, लेकिन कमांडर,
कमांडर एक सिंगल पीस को बोला जाता है, ठीक है। तो कमांडर यहाँ पे इसके आंसर 14 नंबर को हो जाएगा कमांडर। साथियों क्या हो जाएंगे साथियों, कमांडर इसके आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे समझने का प्रयास करना, बाकी जो बच जा रहे हो सारे कलेक्टिव हो जाएगा। कमांडर क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बच जा रहे हैं, जितने रेस्ट बच जा रहे हैं ना, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे कलेक्टिव हो जाएंगे। पुलिस भी संग्रह है, कलेक्टिव हो जाएगा, सोल्जर भी, आर्मी भी। चलो इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है। चलो कर लिए होंगे और करना भी चाहिए आपको। और नोट्स बनाना साथियों, इसका नोट्स बनाना फ्यूचर, इन फ्यूचर यू हैव टू यूज इट। आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसे आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में, आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ साथियों, चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था ना, मैं भी आप ही की तरह था। मैं बातों को मैं कहता यार ये चलो क्या नोट डाउन करना, एक छोटी मोटी चीज़ क्या मतलब लिखना। लेकिन साथियों जब आप पूरे सोचे लेवल पर जाओगे ना, जब बेसिक चीज़ें खोजनी पड़ते हैं ना, आप बेसिकली आप इधर उधर भटकने लगते हो, माइंड काम करना बंद हो जाता है। मैं कहाँ से करूँ, क्या पढ़ूँ, वो चीज़ आपको ना हो के लिए आपको साथियों करना क्या पड़ेगा, अभी से नोट डाउन करना। चलो 15 नंबर क्वेश्चन लग चुके हैं, कह रहा है बोतल ऐसा है, देखते हैं साथियों 15 नंबर क्वेश्चन। डबल टी है, एक चीज़ छूट गया, चलो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में एक डबल टी छूट गया है। यहाँ पर हो जाएगा बी ओ डबल टी एल ई, बोतल कप वाय। अब देखो बोतल भी क्या है, कचकारा वाला भी हो बोतल भी बोलेंगे, स्टील का हो बोतल ही बोल। जैसे स्टील में क्या आता है, मिल्सन का आता है, मिल्सन का एक पानी पीने के लिए आता है, ठीक है, उसे ही बोलेंगे। फाइबर का भी हो आता है, जो वो साइकिल लगा पीट रखते हैं, तो उसे भी कचकारा ही बोलते हैं, तो प्लास्टिक ही बोलते हैं। तो बोतल क्या हो जाएगा, जनरल नेम है, कप भी जनरल है, वाय भी जनरल है, यानी कि कॉमन नाउन होगी। ये सबको क्या बोलेंगे साथियों, कॉमन नाउन बोलेंगे। अब इसके बाद आ जाओ, बच जा रहा है एक वाइन, वाइन मतलब शराब होता है साथियों, ये जिंदगी में नहीं करना, बहुत बेकार चीज़ें होती है। चारों देखो वाइन एक लिक्विड में होता है, लिक्विड में बताया बस स्टेट में जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वाइन हो जाएगा। और जो वाइन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, तो लिक्विड होता है उसे मटेरियल में रखते हैं, समझ रहे हो ना। आज 16 नंबर इसी में बता दो आपको, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि डे मंथ ईयर संडे बॉल। देखो डे किसी भी दिन का सामान्य नाम है, किसी मंथ में डे आते हैं सामान्य नाम है, या वीक में भी आते हैं। मंथ क्या है, किसी साल का सामान्य नाम है, साल में मंथ आते ना, जनवरी फरवरी, जनवरी का सामान्य नाम क्या है मंथ, फरवरी का भी मंथ। देखो ऐसे मंथ क्या हो जाएंगे, किसी मंथ किसी दिन का किसी सामान्य नाम है, जैसे डे हो गया समझो, डे मंथ। क्योंकि मेरे मुँह थक गया ना ज़्यादा, मैंने क्लास में लंबे ले लिया, पानी भी नहीं पी पाया, ईयर भी यहाँ पे, और एक बॉल समझना, ये बॉल ईयर मंथ डे क्या सामान्य नाम है। लेकिन इस दिन में एक आता होगा मंडे, इस दिन में आता होगा एक मंडे, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन दिन सामान्य नाम है, मंथ मंथ में एक जनवरी आता होगा, मंथ में एक जनवरी भी आता होगा, फरवरी, इस मंथ का कुछ खास नाम होगा तो प्रॉपर होगा। लेकिन ये मंथ अपने आप में जनरल है, ईयर ईयर में 2021 चल रहा ना, 2021 प्रॉपर होगा, लेकिन यहाँ पे ईयर है जनरल होगा। बॉल बॉल का कुछ नाम होगा वो प्रॉपर होगा, लेकिन बॉल यहाँ पे कॉमन है। ये सारे जो थे बॉल डे मंथ ईयर ये सारे क्या थे, कॉमन थे। इसके आंसर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि संडे क्या है, किसी दिन का प्रॉपर नाम है, ठीक है। संडे क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा प्रॉपर नाम, और यही इसका 16 नंबर का आंसर यही होगा, संडे। समझ गए साथियों, समझ रहे हो ना, संडे होगा, हट गया, देख लो फटाफट देख लो। चलो सभी को इसे नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन कर लिए ना, आ जाओ थोड़ा इसे रब कर लो। और साथियों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हो ना, सभी को कमेंट करो टेलीग्राम ज्वाइन किए हो कि नहीं। साथियों PDF मिलेंगे, सबके PDF मिलेंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल मिलेंगे PDF साथ, घबराना नहीं आपको। सारी चीज़ पे वर्क हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, बहुत जोरों शोर से काम हो रहा है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो टीम है सारे लोग बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, और साथियों आपकी सपोर्ट रही तो सब कुछ बेहतर तरीके से हो पाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गए आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो 17 नंबर कह रहा है डेथ फियर मॉप गुडनेस। देखो डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु को देखते रहो साथियों, फील करते हो कि अगला बंदी मर चुका है। फियर डर एक अंदर से महसूस आता है, इंटरनल एक फीलिंग होता है, डर को देखते नहीं, मॉब भीड़ को देख सकते हो,
गुडनेस, अच्छाई दिखती नहीं है, लगती है कहाँ अच्छा व्यक्ति है। यहाँ पे जो डेट समझना, डेट फियर और क्या है गुडनेस और क्या है, बस ये जो डेट फियर गुडनेस जो है ना, ये आपके हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नोड। कैसा हो जाएंगे साथियों? अब्स्ट्रैक्ट। ये जो तीनों हैं क्या हो जाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉब। मॉब मतलब साथी होता है भीड़। क्या होता है? भीड़। और ये हो जाएगा आपका साथियों कलेक्टिव। और इसका सही आंसर यही होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये मॉब ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉब। आज ये 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत जल्दी कर देंगे इसको भी, सभी को इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही रामबाण है। ये जो डेट फ्यूअर गुडनेस एक होते हैं, और जो मॉब है कलेक्टिव है भीड़, क्योंकि संग्रह को दर्शा रहा है। आज 18 नंबर क्वेश्चन करें, फिजिक्स केमिस्ट्री और सब्जेक्ट फ्रेंडशिप। देखो फिजिक्स जो साइंस एंड आर्ट्स के जो नाम होते हैं उसे अब्स्ट्रैक्ट में रखते हैं, तो फिजिक्स आपका आर्ट्स फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप। ये जो है ना ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके साथ वो अब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है, कैटेगरी में आ जाएंगे ये सारे अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। लेकिन जो आपके इसमें बच जा रहे हैं कौन सा है? एक सब्जेक्ट। क्या बच रहा है साथियों? सब्जेक्ट। क्या बच रहा है? सब्जेक्ट। देखो ऊपर वाला थोड़ा मिटा दूँ ताकि आप समझ पाओगे बढ़िया तरीके से। हम हो रहे हैं साथियों बहुत जल्दी आपके सामने वो भी आएगा, रजिस्टर पर हाथ से मिला छोड़ेंगे हम लोग बहुत जल्द। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप ये आपका अब्स्ट्रैक्ट, और बच रहा कौन सा? एक सब्जेक्ट। तो वहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हो जाएगा, सब्जेक्ट फिजिक्स भी होता है, मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी भी होता है, हिंदी लैंग्वेज भी सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट यानी किसी चीज़ का सामान्य नाम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हिंदी को जब हम पढ़ेंगे तो क्या है सब्जेक्ट रूप में करते, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है जनरल नेम है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो हो जाएगा साथ कॉमन नाउन हो जाएगा, समझ गए? चलिए इस नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे होंगे, वो भी करने की प्रयास करते हैं, ठीक है साथियों। आ जाओ क्वेश्चन चेक कर दीजिए सर, जल्दी कीजिए सर, जल्दी जल्दी कीजिए यार। चलिए लगा दिया आपके सामने क्वेश्चन, आ गया 19 नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहे 19 नंबर क्वेश्चन, कार पेट्रोल ड्राइव ड्राइवर रोड बुक। देखो ड्राइवर यार आ गया, प्रोफेशन की बात आ गया, इससे कॉमन नंबर रखेंगे। देखो देखते ही पता कर लो, ड्राइवर कार, कार में भाई पेंच मर्सिडीज BMW ये प्रॉपर होगा, लेकिन कार जनरल फॉर्म में बोला कार भी कॉमन नाम होगा। ड्राइवर हो गया, कार हो गया, रोड रोड कच्ची वालों को भी बोलते हैं, पक्की वालों को भी, रोड रोड एक जनरल नेम है। चलो रोड के बाद आ गया आपके साथ बुक, वाओ के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ। अब इसमें बच कौन सा रहा है? पेट्रोल। कौन सा बच रहा है साथियों? पेट्रोल। ऐसे ही आपको छाट करके बना, देखो पहले छाट करके देखो, एक एक पार्ट को अलग करो फिर इसको जैसा छाटो, तो बच क्या रहा है? पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड वालों को हम किस में रखते हैं साथियों? मटेरियल में। अब देखो ड्राइवर कार रोड बुक ये सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? कॉमन नाउन हो जाएगा, समझ रहे हो ना? आज तो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है हेल्थ वेल्थ पेन डॉक्टर। पेन पेन देखो हेल्थ, हेल्थ को नहीं देखते हो सिर्फ महसूस करते हो, वेल्थ को भी महसूस ही करते हो साथ, ठीक है, और पेन पेन को भी महसूस करते हो। ओ आई वेलीज पेन मतलब मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब बच जा रहा है इसमें कौन सा? डॉक्टर। एक बच रहा है वर्ड डॉक्टर। डॉक्टर देखते ही पता चल रहा है कि प्रोफेशन का नाम है, प्रोफेशन का नाम क्या होता है? कॉमन नाउन होता है साथियों, कॉमन नाउन। अब और जो ऊपर हम बच गए पेन हेल्थ वेल्थ, हेल्थ वेल्थ पेन, ये सारे जो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे साथियों? जल्दी बताओ। ये हो जाएंगे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जिससे हम सिर्फ महसूस करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है ना साथियों, ऐसा तो नहीं ना दूसरा कुछ पढ़ लिए होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं साथियों। ये थे हमारे कुछ एक्सरसाइज 3 के 20 क्वेश्चंस, और मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय किया होगा, और बहुत सारे बच्चे नाम के लिए बहुत सारे रिपीट हो जाएगा, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो,
मैं सारे बच्चों को नाम लेना चालू कर तो बहुत टाइम लग जाएंगे और कंसेप्ट में फिर हट जाऊंगा। देखो वो कमेंट देखने का मतलब ये होता है कि अपने कंसेप्ट से विचलित होना है, कि वहाँ से हट जाना, फिर मैं जो बताना होगा वो नहीं बता सकता, किसी बातों पर मैं चला गया, ये बात होती है। ठीक है, वैसे मैं सबकी प्रॉपर कमेंट देखता हूँ, सबको अच्छे से देखता हूँ, सारे मेरे लिए आप अनमोल हो, क्योंकि आप ही हो जो कि देश के लिए रत्न हो। एक एक यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, हमारे देश के लिए हीरा है, हीरा समझ लो ना, सब निखर करके एक दिन आप देश में नाम रोशन करो। ठीक है, सभी को हीरा हो यहाँ पे, सभी को हमारे लिए बेस्ट हो, सभी को ही। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी यू आर बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। चलो तो ये थे एक्सरसाइज 3, और इसको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। पहली काम ये करना है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, समझ लो ना, और लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आएगा ना, सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे घंटी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे घंटी दिखाई दे रहा होगा ना, वहाँ पे बेल आइकन होगा, वहाँ से जाकर के क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना होगा। ठीक है, और आप PDF चाहिए ना, चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF मिल जाए साथी, वो टेलीग्राम ज्वाइन करना, सारी चीज़ फ्री में मिल रही है अभी, कोई चार्जेज नहीं लगेंगे आपको, ये दिमाग से निकाल देना। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ो, सेशन को शेयर करो, दोस्तों को लाओ, ताकि हमें भी एनर्जी लगे कि यस हमारे जो सेशन है सभी बच्चों सीख रहे हैं हमारे से, और भी हम लोग मेहनत करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बस आज के इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।